एचआरटीसी शिमला के आरएम के तबादले के मुद्दे पर हिमाचल परिवहन कर्मचारी समन्वय समिति के प्रदेश में बस संचालन बंद करने के समर्थन में हमीरपुर में बस अड्डे पर बस के आने व जाने के रास्तों को बंद कर दिया गया। हमीरपुर में समिति के सदस्यों ने सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार से आरएम के तबादले के आदेशों को तुरंत रद्द करने की मांग की। कर्मचारियों की इस मांग पर परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने इसे गलत ठहराते हुए कहा कि चालक और परिचालकों के कहने पर तबादले नहीं होते हैं और आरएम एक ही स्थान पर लगभग 15 वर्षों से काम कर रहे थे। उन्होंने धरना देने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात भी कही। हमीरपुर में हिमाचल परिवहन कर्मचारी समन्वय समिति के आह्वान पर एचआरटीसी कर्मचारियों ने बस अड्डे पर अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम किया और मांगे ना माने जाने तक अपना प्रदर्शन जारी रखने की बात की। हिमाचल परिवहन कर्मचारी समन्वय समिति हमीरपुर के प्रधान राजू राम शर्मा ने कहा कि एचआरटीसी शिमला के आरएम के तबादले को रद्द करने की मांग को लेकर बस अड्डा बंद किया गया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रबंधन ने प्राइवेट बस ऑपरेटरों के दबाव के चलते क्षेत्रीय प्रबंधक शिमला लोकल का तबादला किया है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरकार पर प्राइवेट बस ऑपरेटरों को लाभ पहुंचाने के आरोप भी लगाए। हमारी तो फर्स्ट मांग यही है कि उनका तबादला तुरंत बहाल किया जाए, नहीं तो हम किसी भी हद तक गुजरने को तैयार है। हमारा है सर, और हमने अपना लॉकडाउन शुरू किया है, टूल डाउन किया है, इसलिए अड्डा बंद है। और हम भी नहीं, जब तक हमारे अवसर को बहाल नहीं किया जाएगा, वो कर्मचारी हित और निगम हित के अवसर हैं। कर्मठ हमारे ईमानदार ऑफिसर हैं, देवा सैन नेगी जी मैनेजर है लोकल यूनिट के, तब तक उनको बहाल नहीं किया जाता जब तक ये टूल डाउन हमारा रहेगा। फायदा तो वैसे भी उठा रहे हैं प्राइवेट वाले सर, 2000 या 2004 के बाद जो रूट आवंटन हमारी जो डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट और आरटीओ रीजनल ट्रांसपोर्ट के अंडर हुआ है ये सारा सिस्टम, उसमें हमारी बस का टाइमिंग 2 मिनट का दे रखा है जैसे, तो इनके लिए आधा घंटे का टाइमिंग दे रखा है। तो ये तो फायदा तो तभी से स्टार्ट हो गया 2004 से। सरप्राइज तब हुई है शिमला मंडल में ऊपर मुख्यालय में एक से की जो आ रहे हैं उनका तुरंत प्रभाव से एकदम उनकी ट्रांसफर कर दी है निर्भा के लिए, क्योंकि वो प्राइवेट बस ऑपरेटर के कैटेगरी पर है जिसका कोई टाइम टेबल नहीं, और प्राइवेट वाले ने आरटीओ से और आरटीओ और एडी ये दोनों मिले, उन्होंने एकदम उनका टाइम टेबल को लेकर मीटिंग जारी की। इस टाइम टेबल से एक दिन पहले ही उनकी ट्रांसफर कर दी गई। मंत्री जी से और हमारा वो ऊपर एडी साहब से मिला है, उनसे ये कहा है जब तक उनका जो ये ट्रांसफर बहाली नहीं की जाती है तब तक ये प्रदर्शन और हर डिपो में धरना जारी रहेगा। की धक्काशाही ऐसे ही रहेगी और आरटीओ की धक्काशाही ऐसे रहेगी, कर्मचारी ऐसे पिटते रहेंगे। 2 साल से कर्मचारियों को कोई लाइट भत्ता नहीं दिया गया है, 2-2 महीने की तनख्वाह पेंडिंग चली है। जयराम सरकार से यह अनुरोध है कि इन तबादलों के चक्कर में ना पड़े और कर्मचारियों को दे भत्ते जो देने हैं उनके ऊपर गंभीर विचार करें, नहीं तो कर्मचारी भविष्य में फिर ऐसे ही आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इस मुद्दे पर परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने हमीरपुर इकाई के चक्का जाम के मुद्दे की जानकारी ना होने की बात की, तो वहीं उन्होंने शिमला आरएम के तबादले पर चालक परिचालकों के धरने को भी गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार तय करती है कि किसका तबादला करना है या नहीं। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी में तबादले चालक और परिचालकों से पूछकर नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं आरएम के तबादले को उन्होंने जरूरी करार देते हुए कहा कि नेरवा में नए डिवीजन ने काम शुरू किया है, इसलिए वहां जरूरत के अनुसार तबादला किया गया है। मेरे को ये नहीं ध्यान में, लेकिन अगर ऐसा है तो हो सकता है उसके साथ जुड़ा हो, लेकिन ये एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। आरएम की बदली हुई है तो आरएम की बदली हो गई है, तो ये कोई ड्राइवर और कंडक्टर थोड़ा डिसाइड करेंगे, और अगर ये नहीं ठीक हुआ तो एक्शन विल बी टेकन। साल से एक व्यक्ति एक जगह पे ड्यूटी कर रहा है, उसको बदल दिया क्योंकि दूसरी जगह पे व्यक्ति की जरूरत है, एक्सपीरियंस व्यक्ति की जरूरत है, उसको शिमला से नेरवा बदल दिया। अब ये बोल रहे हैं कि उसको नेरवा क्यों बदला, पढ़ने के सरकार तय करती है। इट इज नॉट डिसाइडेड कि हमने इसके ऊपर, वैसे तो आप 3 साल के बाद किसी को भी बदल सकते हैं, लेकिन अगर कहीं पर मान लीजिए
कहीं अच्छा काम चला है, एफिशिएंसी अच्छी आ रही है, बसेस के रूट्स अच्छे हैं, सारी बातें ठीक है, वहाँ कंटिन्यूटी में चला रहता है। अब ये कोई किसी को सजा नहीं दी गई, जो जो ये पर्टिकुलर विषय की बात कर रहा हूँ, एक व्यक्ति को कैंसर है, वो कैंसर के कारण नेरवा नहीं जा सकता, उसको कैंसर की बीमारी के कारण से प्रॉब्लम है, उसको शिमला में रख लिया, शिमला वाले को नेरवा भेज दिया, और नेरवा में नया यूनिट है और वहाँ पे व्यक्ति भी एक्सपीरियंस चाहिए, तो हमने कहा कि माल एडजस्टमेंट कर लो, फिलहाल उनको भेज दो। लेकिन एक व्यक्ति एक जगह पे नौकरी करते करते वहाँ पर इस प्रकार की परिस्थितियों को पैदा करना, तो मैं तो इन सारी चीज़ों को गहनता से देखूंगा, और जो भी लोग इसमें गड़बड़ कर रहे हैं उनके साथ, वो जो अनुशासनहीनता जो कर रहे हैं, वो वहाँ पे कार्रवाई होगी उनकी।